सो क्वेश्चन नंबर 20 कैट 2021 स्लो टू क्वेश्चन पेपर. सो क्वेश्चन बेसिकली ज्योमेट्री का है और कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है और एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ये, एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है. प्रॉपर्टी ये है कि प्रॉपर्टी बेसिकली जिस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है वो ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में, अगर कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास और उस ट्रायंगल में अगर हम कोई लाइन डालते हैं ऐसे करके जो कि बेस को एम इज टू एन में बांटती है, जो कि बेस को एम इज टू एन में बांटती है, तो प्रॉपर्टी ये है कि इफ बेस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन, अगर कोई भी लाइन बेस को एम इज टू एन में बांटती है तो एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल सो फॉर्म्ड ऑल्सो इन द सेम रेशियो. मतलब ए वन ए टू आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों का भी रेशियो वही बनेगा जिस रेशियो में बेस बना है. मतलब कि एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल सो फॉर्म्ड दैट इज ए वन बाई ए टू वुड बी इन द सेम रेशियो एज बेस, तो एम बाई एन के इक्वल होगा. तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगती है इस क्वेश्चन में और कैसे इजिली क्वेश्चन हो सकता है वो देखते हैं. तो क्वेश्चन में ये है कि लेट डी एंड ई बी द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी. तो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में. तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, सबसे पहले एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी और इस ट्रायंगल के अंदर बोला हुआ है कि सच दैट ए डी इज टू बी डी टू इज टू वन. तो डी और ई दो पॉइंट है, डी पॉइंट है ए बी पे और ई पॉइंट है बेसिकली ए सी पे. तो इस तरह से कुछ बना हुआ है ये. तो ये टू इज टू वन गिवन है अपने को और ये टू इज टू थ्री गिवन है हमें. इसके अलावा हमें ये पता है कि जो एरिया है ए डी ई का, एरिया जो है ए डी ई ट्रायंगल का, इसका एरिया एट है, ये वाला एरिया एट है, ये वाला एरिया पर्टिकुलरली एट गिवन है अपने को ए डी ई का, और हमें पूरी ट्रायंगल का एरिया बताना है. तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप डी को सी से या फिर बी को ई से, किसी को भी एक को मिला दो. जैसे मैंने बी को ई से मिला दिया, अगर हम बी को ई से मिलाते हैं, अगर हम बी को ई से मिलाते हैं और ट्रायंगल ए ई बी पे ध्यान देते हैं, ध्यान से देखो ट्रायंगल ए ई बी, तो इस ट्रायंगल में आप पाएंगे जो ये ईडी लाइन है, ये ईडी लाइन, ये ईडी लाइन बेस को टू इज टू वन में बांटती है. तो बेस को अगर टू इज टू वन में बांटती है ए बी ट्रायंगल में, ये ईडी लाइन बेस को टू इज टू वन में बांटती है, तो एरिया भी इन दोनों ट्रायंगल के टू इज टू वन में होंगे, यही प्रॉपर्टी थी. तो एरिया भी टू इज टू वन में होंगे इन दोनों के. तो अगर टू इज टू वन रेशियो बनानी है तो टू एट के बराबर है तो वन फोर के बराबर होगा, तो ये फोर आ जाएगा, तभी तो रेशियो टू इज टू वन बनेगी ना. तो वी कैन से दैट इस ट्रायंगल का एरिया कौन सी, डी बी ई का एरिया फोर हो जाएगा. और अब आप पूरी कंप्लीट ट्रायंगल को देखो ए बी सी को, अब आप कंप्लीट ट्रायंगल को देखो ए बी सी को. तो अगर मैं कंप्लीट ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी की, तो उस केस में जो बी ई लाइन है, जो बी ई लाइन है, ये वाली बी ई लाइन, ये ए बी सी ट्रायंगल के बेस को, देखो बी ई लाइन जो है वो ए सी को टू इज टू थ्री में बांटती है, टू इज टू थ्री में बांटती है. तो अगर मैं, हाँ जी, ये फोर है और ये एट है, तो कितना हो गया 12. तो इसको एक्स मान लेते हैं सोल्व करने के लिए, जो नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया है उसको एक्स मान लेते हैं. तो क्या हम बोल सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई है विच इज 12 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई है विच इज एक्स, वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में बेस डिवाइड हुआ है. किस रेशियो में बेस डिवाइड हुआ है, 2/3. तो यहां से आपका एक्स आ जाएगा और एक्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा 12. तो एक्स 12 आ गया, लेकिन हमें पूरा कंप्लीट एरिया बताना था, कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया बताना था. तो ए बी सी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 8 + 4 + 12. ये रेशियो हमने ठीक लिए, यहां पे ये हो जाएगी 2/3 दी हुई थी, तो 8 + 4 कितना था, 12 था ना. नहीं, ये कुछ गलत लिख दिया है हमने, 12 / x = 2/3 है, तो ये कट के 6 आएगा. हाँ जी, ये कट के 6 आएगा, तो 6 × 3 = ये 18 हो जाएगा, और ये 18 हो गया यदि, तो x का वैल्यू यहां पे 18 आएगा, x का वैल्यू बेसिकली हमारा 18 आएगा. तो आंसर होना चाहिए 8 + 4 + 18. तो
तो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का 30, और 30 ही सवाल का सही आंसर, 30 इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही क्वेश्चन का आंसर बनता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।